أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. سبق نمبر 55. اسم الفاعل active participle. اسم الفاعل کیا ہوتے ہیں اب اس لیسن میں ہم سمجھیں گے. لفظ فاعل کے معنی ہوتے ہیں کرنے والا. اسم الفاعل کے معنی ہے کسی کام کو کرنے والے کا مفہوم دینے والا اسم, ایسا اسم. और आम तौर पर ये किस तरह हमें पता चलता है कि अगर हम उर्दू में इस्मुल फाइल बना रहे हैं तो हम मजदर के बाद वाला का इजाफा कर देते हैं, जैसे लिखना से लिखने वाला, बेचने से बेचने वाला. अंग्रेजी में समझ लेते हैं, अंग्रेजी में कैसे करते हैं कि वर्ब की पहली शक्ल के आखिर में ईआर लगा देते हैं, जैसे कि रीड से रीडर, टीच से टीचर. अब अरबी में सलासी मुजर्रद और सलासी मजीद से इस्मुल फाइल बनाने के तरीके अलग अलग हैं. इस्मुल फाइल अगर हम सलासी मुजर्रद से बनाते हैं तो उसका वजन है फाइलुन. फाइलुन के वजन पर आप इस्मुल फाइल बनाएंगे. जैसे मिसाल है शाकिरुन, शकरा से बना शाकिरुन, शुक्र करने वाला. जालिमुन, जुल्म करने वाला. आलिमुन, इल्म वाला. बुक नंबर 1 में इस्तावल में हमने ये सीखा था कि इस्म की रफा नसब जर हालत होती है, ये वाहिद होता है, तस्निया होता है, उसकी जमा बनाए जाते हैं, उसके सारे औजान हमने पढ़े थे. तो इस्मुल फाइल उसी पैटर्न को, उसी औजान को फॉलो करेगा, जैसे कि फाइलुन, फाइलन, फाइलिन, फाइलानी, फाइलैनी, फाइलैनी, फाइलूना, फाइलीना, फाइलीना. ये मुजक्कर की गर्दान है और मोअन्नस के आगे हम बोलता का इजाफा करेंगे. फाइलतुन, फाइलतन, फाइलतिन, फाइलतानी, फाइलतैनी, फाइलतैनी, फाइलातुन, फाइलातिन, फाइलातिन. जैसे कि इसम के ऊपर जितने हमने कवायद पढ़े थे मुरक्कब इजाफी के, मुरक्कब तौसीफी के, जहां जहां ये इस्तेमाल होगा उसी तरह से उसकी हालत तब्दील होगी, रफा नसब जर होगी, उसी तरह उर्फ जार बनेंगे और उसी तरह मंसूब होंगे, उसी तरह मजरूर होंगे. इस्मुल फाइल सलासी मजीद से कैसे बनता है? मुजारे से बनता है. अलामात मुजारे को हटा देते हैं हम और उसकी जगह पहली चीजें से अगर हम बना रहे हैं तो या हटाएंगे, उसकी जगह मीम मजमूम लगाएंगे, या हटाकर मीम पेश लगा देंगे, मीम पेश लगाएंगे. और आइन कलमे पे अगर फतह है जो कि बाप तफाउल में और तफाउलुन में आ रही है तो उसे कसरा में बदल देंगे. आइन कलमा पर हम कसरा लगाएंगे. और आखिरी कलमे पे हमें पता है अफाल में तनवीन नहीं आती और हम इस्म बना रहे हैं, इसीलिए लाम कलमे पे हम तनवीन लगाएंगे और अराबी हालात में वही तब्दीली होगी जैसे कि हमने हमने पिछली स्लाइड में देखा था. तो गर्दान क्या बनेगी अगर हम देखते हैं मुकरिमुन इस्मुल फाइल की, अगर हम पूरी गर्दान देखें बाबे अफाल से, तो एक मुकरिमुन हो गया, मीम पेश लगाया है, या हटा क्रिमुन कर दिया है, मुकरिमन, मुकरिमिन, मुकरिमानी, मुकरिमैनी, मुकरिमैनी, मुकरिमूना, मुकरिमीना, मुकरिमीना, उसका मौनस बनाया गोलदा लगाकर, मुकरिमतुन, मुकरिमतन, मुकरिमतिन, मुकरिमतानी, मुकरिमतैनी, मुकरिमतैनी, मुकरिमातुन, मुकरिमातिन, मुकरिमातिन. 8 अबवाब है सलासी मरीद फी के. उसमें हम देखते हैं सबका हमने मुजारे देखा. बाब अफ़आल का मुजारे युफ़इलु, उससे बना मुफ़इलुन, मिसाल है मुमिनुन. बाब तफ़ईल से युफ़ाइलु था, इससे बना मुफ़ाइलुन, मुअल्लिमुन. बाब मुफ़ाला है पहले से, यहाँ पे आईने युफ़ाइलु, मुफ़ाइलुन ही रहेगा और यहाँ पे मुजाहिदुन हो गया, जिहाद करने वाला. ये तफ़ाअलु में यहाँ जबर था, इस्मुल फाइल में हमने कसरा कर दी, मीम लगा दिया, या की जगह मुतफ़ाइलुन. बाकी तमाम अफ़आल में पहले से ही ज़ेर था. वो तफाहलू से मुतफक्किर बना, फिक्र करने वाला. या तफाहलू से मुतफाहलून बना मुतफाखिरुन, आपस में बाहम फक्र करने वाला. यफ्तहलू मुफ्तहलून मुज्तहिदुन, बाब इफ्तिहाल पे बना मुज्तहिद, इज्तिहाद करने वाला. यनफ़इलू से बना मुनफ़इलून, मुनक़लिबुन, बाब इस्तफ़ाल का मुजारे था. यस्तफ़इलू इससे बना मुस्तफ़इलून, मुस्तग़फ़िरून. इस्मुल फ़ाइल जमा, जमा कैसे होते हैं? अभी हमने गर्दान देखी है. इस्मुल फ़ाइल की जमा मुज़क्कर सालिम हो तो उसी तरह इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ अस्मा ऐसे भी होते हैं जिनकी जमा मुकस्सर हो जाती है. हमें पता है जमा मुकस्सर क्या होती है, आप कमेंट में बताएं जमा मुकस्सर अगर आपको पता है. काफिरुन से बनाए काफिरुन, काफिरुन से काफिर इस्मुल फ़ाइल है बेसिकली, इससे बनाए काफिरूना भी होता है और कुफ़ारुन भी होता है और कफ़रतुन भी होता है. ये जमा मुकस्सर है कुफ़ारुन कपरतुन. तालिबुन से तालिबुना भी हो सकता है और तुल्लाबुन भी हो सकता है, ये जमा मुकस्सर है. तुल्लाबुन या तलबतुन भी हो सकता है. बाद इस्मुल फाइल की जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ भी होती है. गैर मुनसरिफ क्या होती है? उसकी हालत नसब और जर में हमारे पास
तनवीन नहीं आती और नसब और जर में फतह इस्तेमाल होती है। जाहिलूना से हमारे पास आएगा जो हलाउ, तो क्या हालत है नसब और जर में जो हला जो हलाहा आ जाएगा। इसी तरह आलिमुन से बनेगा आलिमूना और इसकी जमा मुकसर गैर मुंसरिफ होगी उलमाउ, इसमें तनवीन नहीं आएगी और तनवीन ना आने की सूरत में नसब और जर बनाने में उलमा उलमा हो जाएगा। ये इस्मुल फाइल और फाइल में क्या फर्क है। इस्मुल फाइल एक इस्म में किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ये हालत रफा हालत नसब और हालत जर में आएगा, जबकि फाइल हमेशा जुमला फेलिया में ही होगा। अगर जुमला फेलिया बनेगा तो फिर जो इसमें इसमें आ रहा है वो फाइल तीनों हालतों में हो सकता है, रफा नसब जर। ये बहिस्सत फाइल भी आ सकता है, ये बहिस्सत मफूल भी आ सकता है और ये मुतालिक इसम भी हो सकता है, ये मुतालिक फेल भी हो सकता है। अब अगर हम जुमला फेलिया की बात करें इसमें मसलन दखल अर रजुलू बैत, यहाँ पे अर रजुलू फाइल है इसीलिए ये हालत रफा में है और फाइल हमेशा हालत रफा में होगा। अगर अलग अर रजुलू लिखा होगा तो जुमले के बगैर तो इसे हम फाइल नहीं कह सकते। तालिबुन आलिमुन सारिखुन ये इस्मुल फाइल है, ये जुमले में हस्ब तवक्कु मरफू भी आ सकते हैं, मंसूब भी आ सकते हैं और मजरूर भी आ सकते हैं। इसका वजन फाइलुन है। जहाब आलिमुन का मतलब है एक आलिम गया, यहाँ पे ये हालत रफा में है, आलिम है और ये आलिम खुद इस्मुल फाइल है। ज़रबतु ज़ालिमन मैंने मारा एक जालिम को, यहाँ पे ये हालत नसब में है और जुमले में बहिस्सत मफूल आया है। इसी मिसाल में है किताब आलिमिन, ये हालत जर में है, ये मुरक्कब इजाफी के तौर पे आया है, है इस्मुल फाइल। ये कुछ हमारे पास मुस्मा है और कुछ अफाल है। गफला बाप नसरा पे आया है, गफला यखफुलु गफलतन, जाला बाप फतह पे है और इसका मस्तर माखूज है जामिद है। जालन गफला कभी मस्तर जामिद है माखूज है, गफलतन इसका कोई कायदा नहीं है। तबा से तबान तस्वीरें बनाना छापना मोहर लगाना, तबा बा फतह पे तब तोबा या तो बाऊ, जाला भाई बा फतह पे, जाला यजअलू, खसीरा बाप समिया यस्माऊ पे है, समिया यस्माऊ, खसीरा यक्सरु खुसरन नुकसान उठाना, नकीरा भी बाप समिया पे, नकीरा यन समिया यस्माऊ, नकीरा यन करू नकारन ना वाकिफ होना। अगर ये बाब इफाल पे आएगा अन करा, इसका मतलब होगा ना वाकफियत का इकरार करना इनकार करना। बाप कबूरा किबरन रुतबे में बड़ा होना, अगर ये बाब तफाउल पे आएगा तो तकबरु बड़ा बनना, बाब इस्तफाल पे आना इस्तकबरा का मतलब है खुद बड़ाई चाहना। फलाहा बाब नसरा पे, नसरा यंसुरु फलाहा यफलुहु फलहन आना हल चलाना, अगर बाब इफाल पे आएगा अफलाहा यफलुहु मुराद पाना, रुकावटों को पारते हुए मुराद पाना। शहीदा बाब समिया पे, शहीदा यशहदु समिया यस्माउ गुजारे पे जबर है, शहीदा यशहदु शहादत देना किसी बात की यकीनी खबर देना। बाबे इफाल पे देना अशहदु गवाह बनाना गवाही दिलवाना, अशहदा अशहदा युशिदु हिजबुन इसम में ग्रोह जमात या पार्टी को कहते हैं, जुर्रियतुन औलाद को कहते हैं, नस्ल को कहते हैं। आपको मश नंबर 51 करनी है 53 करनी है। मश नंबर 53 में आपने मादों के साथ दिए गए अबवाब से इस्मुल फाइल बनाकर हर एक की आपने गर्दान करनी है, बहुत आसान है। गफला से गाफिलुन, फसीरा से खासिरुन, सीन लाम नीम सलामा से सालिमुन, अजबा से काजिबुन, नफका से नाफिकुन, तबारा से काबिरुन। अच्छा, इसमें बाबे तफील बाबे मुफाला और बाबे तफाउल के हिसाब से करनी है, इसलिए नीम लगाना है आपने और बाबे तफील के हिसाब से करना है। इसके जवाबात मैं नेक्स्ट उसमें दे दूंगी। इस तरह से आपने गर्दान बनानी है। दूसरी मिसाल में आपने जो कुरानी बातें हैं उसमें इस्मुल फाइल की शनाख्त करनी है, उसका मादा बाप सीगा अदद जिन्स बताना है। जैसे कि हमको देखें अब अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, इसमें इस्मुल फाइल अगर हम देखें तो बिगाफिलिन है गाफिल और इसमें कह रहे हैं अल्लाह नहीं है गाफिल, ये हालत जर में है, वाहिद है मुजक्कर है। इस तरह से आपने हर मिसाल में इस्मुल फाइल को ढूंढना है, उसकी हालत बतानी है, उसका सीगा बताना है, उसकी गर्दान बतानी है, मुज़क्कर मुअन्नस बताना है, वाहिद जमा तस्निया बताना है। बारकल्लाहु ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।